बापूजी। पता नहीं सुंदर बेटा क्या है ये तो बहू की जगह बहुत है। हाँ। पर बाबा इनमें से दया आंटी तो एक ही होगी। सुंदर बेटा ये क्या खेल है? हाथी भाई सरप्राइज का ऐसा तरीका पहली बार देखा। हाँ ऐसा सरप्राइज तो सुंदरलाल ही दे सकता है। फ्रेंड्स नो दया आंटी नो इसमें से कोई एक ही दया आंटी है। मुझे भी पता है। मेरा तो दिमाग खेल रहा है मुझे चक्कर आ रहा है मुझे संभालो। अरे मुझे गिराएगा। अरे ये क्या रमत मांडी है तूने सुंदर। हाँ सुंदर भाई प्लीज जल्दी बताइए ना इनमें से दया भाभी कौन है? वही तो प्रश्न है। ये तो जेठालाल का अलग तरह का स्वयंवर हो रहा है ऐसा लग रहा है। अरे माय डियर जीजा जी ये आपकी अलग तरह की परीक्षा है। फोन पे फोन कर रहे थे कि दया को भेजो दया को भेजो दया को भेजो। लो अब आपकी कसौटी है। अब आप बहना को पहचान के दिखाओ और वो भी घूंघट उठा है पकड़। अरे कुछ नहीं ये मेरी शर्त है। अरे बहना को पहचान के बताइए तो मानूंगा कि आपका प्यार सच्चा है। बहना को इतना याद करते हो तो इसमें से पहचान लो बहना कौन है। नहीं बने मैं नहीं मानता तेरी ये उटपटांग शर्त। माननी पड़ेगी शर्त माय डियर जीजा जी क्योंकि ये माय डियर बहना का आइडिया है। बहना जानना चाहती है कि आप उसे पहचान पाते हो या नहीं। जीठा जी दया भाभी ने कह दिया तो मतलब अभी ये आपके प्यार की परीक्षा है। सुंदरलाल तुम यहाँ पे दया भाभी को लेकर गरबा खेलने आए हो कि जेठालाल की परीक्षा लेने के लिए? दोनों। ओए जेठा भरा मैंने लगता है अब तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये दया भी ना सुंदर के साथ रह के बिगड़ गई है। अरे ये कोई टाइम है शरत शरत खेलने का? एक तो इतने टाइम के बाद आई है तो सीधा सीधा मिलने की जगह पे टकरा रही है। जीजा जी आपको चैलेंज मंजूर है ना? नहीं 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 माय डियर जीजा जी ऐसे शरत नहीं मानेंगे। व्यापारी है ना। चलो शर्त को मैं थोड़ी वजनदार बना देता हूँ। अगर आप हारे तो आप मुझे 50,000 देंगे और अगर मैं जीत गया तो मैं आपसे 50,000 रुपये लूंगा। ओके? ये अहमदाबादी अगर तू अहमदाबादी है तो मैं भी कच्ची मारूं। मैं हार गया तो मैं तुझे 50,000 दूंगा और तू जीत गया तो मुझसे 50,000 लेगा। मतलब कुछ भी हो मुझे तुझे 50,000 देना। चल चल ऐसा थोड़ी होता है। तू अगर हार गया तो तू मुझे 50,000 देगा उसका तो कुछ बोला ही नहीं तो ना। इसे तो कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। सॉरी 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 माय डियर जीजा जी अगर मैं हार गया तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा और अगर आप हार गए तो आप मुझे 50,000 रुपये देंगे। ओके? नहीं बने मुझे कोई पैसों की शर्त नहीं लगानी है। डर गए सुंदर भाई जीजा जी डर गए। सुंदर भाई जीजा जी को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि वो बहना को पहचान के चैलेंज जीत जाएंगे। जीजा जी आपको इतना भी भरोसा नहीं है? अरे भरोसे की बात ही नहीं है भाई भरोसा तो फुल है। तो क्या डर लग रहा है? अरे कोई डर नहीं लग रहा है मुझे। तो फिर लगा लो चैलेंज। ठीक है चल लगी चैलेंज। लेकिन याद रखना अगर मैं हार गया तो मैं तुझे 50,000 दूंगा और अगर तू हार गया तो तू मुझे 50,000 देगा। हाँ हाँ ठीक है। अगर तू हार गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ 50,000 लेकर रहूंगा। माय डियर जीजा जी अगर आपने बहना को पहचान लिया तो मैं आपको खुशी खुशी 50,000 तो क्या 1,00,000 दूंगा। सुंदर भाई 1,00,000 बोले या 1,00,000 बोले? 1,00,000। आज तक सुंदर भाई ने सब मिला के किसी को 1 लाख नहीं दिया, तो सुंदर भाई एक आदमी को 1 लाख दे देंगे। जीजा जी के ऊपर दिल आ गया है। अरे नहीं भाई नहीं, लाख नहीं चाहिए, तो खाली 50,000 तैयार रख, क्योंकि शर्त तो मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे इसमें क्या ऑल बेस्ट होती, मेरी दया को मैं नहीं पहचानूंगा। बिल्कुल पहचानूंगा, बिल्कुल पहचानूंगे। चलिए पहचानिए माय डियर बेटा को, इन 9 में से माय डियर बेटा कौन है, पहचान के दिखाइए, 50,000 रुपए ले जाइए। अरे 1 सेकंड में पहचान लूंगा, तो देख खाली 1 मिनट। पास जाकर नहीं माय डियर जीजा जी, पास जाकर नहीं, आपको यहीं से पहचानना है, यही मेरी शर्त है। यहीं से? हाँ ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वाह यहीं से पहचान लूंगा दया को।